અને હવે સીધા જોઈએ હરિયાણા કે જ્યાં દુષ્યંત ચૌટાલા અત્યારે સંબોધી રહ્યા છે. સવાલ પૂછા કે અમને બીજેપી કે ખિલાફ ચુનાવ લડાય જી, તો કે અમને કોંગ્રેસ કે સાથ ચુનાવ લડાય નહીં, હરિયાણા કે હિત કે, યે આપકે વોટરો કા કહેના હૈ. આજ ચાહે વો કોંગ્રેસ ચાહે બીજેપી, અગર હમારે સહયોગ સે કોઈ ગવર્નમેન્ટ ફોર્મ કરતા હૈ યા ગવર્નમેન્ટ મે હમારી હિસ્સેદારી બનતી, મેં યે માનતા હું કે ચૌધરી દેવીલાલ જી ને ત્યાગ કરને કા કામ કિયા હૈ. हम त्याग कर कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज़ से इनकार हो. पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को लोग एक एक कर जननायक जनता पार्टी के ना तो हिस्सा मिस्टर कांडा है, मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पे टिप्पणी करने का कोई उचित्य नहीं बनता. अच्छी बात है, मैं बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं. साथ में सरकार बनाने का मतलब क्या, कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, हमारे सारे साथियों ने यही निर्णय लिया है कि प्रदेश के हित के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी उसमें अगर कोई हमारा सहयोगी बनेगा और हमें सम्मानजनक सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बिल्कुल उसमें. 24 घंटे पहले आपके पास चाबी था, आपने सरकार बनाने का मतलब लेने में देर कर दी. आज भी चाबी है, बट आप वेट कर रहे हैं. आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी की साथ जी, दुष्यंत जी सरकार साथ में बनाएंगे मतलब कोलिशन गवर्नमेंट का आउटसाइड सपोर्ट, चाबी की जरूरत नहीं है, नंबर लॉक से सरकार जो है वो आपकी कितनी हो सकती है. नहीं दुष्यंत जी, साथ में सरकार बनाएंगे मतलब कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं जननायक जनता पार्टी के विषय पर टिप्पणी कर सकता हूं. वो उनके विधायक दल का निर्णय होगा कि ना कि मेरा निर्णय होगा. सर आप बात से सपोर्ट करेंगे या शामिल होने की बात है? अगर रहेंगे तो हिस्सेदारी में रहेंगे, नहीं तो फिर विपक्ष. हमारे लिए दोनों अछूते नहीं. सर एक सवाल, अगर आप समर्थन देते हैं तो सरकार में साझेदारी लेकर ले देंगे या आउटसाइड? साझेदारी. તો આપણે જણાવી દઈએ કે હરિયાણામાં ચૂંટણી બાદ અત્યારે સરકાર રચવાની તમામ મડાગાંઠો શરૂ થઈ ગઈ છે, તેવા સમયમાં કોની સાથે સમર્થન લઈને સરકાર બનાવી તેના ઉપર ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે. તે વચ્ચે દુષ્યંત ચૌટાલાએ કહ્યું કે અમે તમામ પક્ષો સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ, હજુ એ રૂખ નક્કી નથી થયો કે કોની સાથે તેઓ સરકાર બનાવે. જોકે શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે કે હરિયાણામાં ભાજપ પોતાની સરકાર બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ તમામની વચ્ચે દુષ્યંત ચૌટાલા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી અને તેમણે કહ્યું કે મારી કોઈ નેતા સાથે મુલાકાત નથી થઈ, તમામ પક્ષો સાથે વાતચીત ચાલુ છે.